Hello students, I am C.A. Ashtar Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we will be continuing chapter number 5 of OC for Standard 12 student. The name of the chapter is Staffing. अपन ने अपने previous session में पूरा process of selection बहुत ही detail में practically समझा था. आज हम start करते हैं training and development से. मतलब आपने अपने employee को select कर लिया, अब आपको उसको training देनी पड़ेगी, उस चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं. बोला have a efficient recruited personnel might be. आपने जिस पर्सन ने जिस एम्प्लॉय को रिक्रूट करा भले वो कितना भी एफिशिएंट हो कितना भी अच्छा हो स्टिल विदाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा. मतलब भले आपने बेस्ट एम्प्लॉय रिक्रूट किया लेकिन अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं दोगे अगर उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है इंजोर्ड अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा. क्लियर. ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज. ट्रेनिंग में थियोरिटिकल नॉलेज भी दी जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है. ठीक है. ट्रेनिंग इज नॉट टेम्पररी बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता एक बार करके छोड़ो. ट्रेनिंग कॉन्स्टेंट दी जाती है किसी की नॉलेज किसी की एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं. मतलब सिंपल इंट्रोडक्शन ये है कि कितना भी एफिशिएंट कितना भी अच्छा एम्प्लॉय अगर आपने रिक्रूट किया स्टिल उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना उस एम्प्लॉय को एक्सपर्टाइज देना एक्सपीरियंस देना इंपॉर्टेंट है. क्लियर. बोले ट्रेनिंग में थियोरिटिकल नॉलेज भी दी जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है. दोनों नॉलेज दी जाती है थियोरिटिकल नॉलेज भी दी जाती है एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है. क्लियर. अब ट्रेनिंग टेम्पररी नहीं एक बार और खत्म. ट्रेनिंग कैसा है कंटिन्यूस प्रोसेस है कॉन्स्टेंट होता ही रहता है. क्लियर. ट्रेनिंग से एबिलिटी प्रोफिशिएंसी ये सब बढ़ता है. ये तो इंट्रोडक्शन था कंसेप्ट पढ़ते हैं. अगर मैं जनरल टर्म्स में देखा जाऊं तो ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ एम्प्लॉय. अगर मैं जनरल टर्म्स में देखू तो ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग होता है कि एम्प्लॉय को उसके काम के रिलेटेड थ्योरी नॉलेज भी दो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो. सिंपल. अगर मैं जनरल टर्म्स में देखू सो ट्रेनिंग मतलब क्या होता है आप अपने एम्प्लॉय को थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो रिलेटेड टू हिज वर्क. उसके काम के रिलेटेड उसको थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देने को बोलते हैं ट्रेनिंग. लेकिन एक एक्सपर्ट ने बोला है कि ट्रेनिंग मीन्स गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द एफिशियंसी स्किल एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल ऑफ एम्प्लॉय. लेकिन एक एक्सपर्ट ने बोला कि ट्रेनिंग मतलब क्या है आप अपने एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी हो रहा है अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे रहे हो. क्लियर. साथ साथ उसका नॉलेज स्किल एफिशियंसी एप्टीट्यूड ये सब भी इंक्रीज कर रहे हो. क्लियर. तो जनरल सेंस में ट्रेनिंग मतलब क्या है एम्प्लॉय को काम के रिलेटेड थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो. और एक एक्सपर्ट ने बोला है कि ट्रेनिंग मतलब आप अपने एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अप टू डेट मतलब जैसे जैसे सबसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसका टेक्निकल नॉलेज स्किल प्रोफिशिएंसी सब बढ़ा रहे हो. इन शॉर्ट ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एजुकेशन. क्यों नॉलेज और एजुकेशन दे रहे हैं विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस. इन शॉर्ट ये सब चीज को सम अप करूं तो ट्रेनिंग मतलब क्या होता है ट्रेनिंग मतलब आप अपने एम्प्लॉय को नॉलेज और एजुकेशन दे रहे हो. क्यों आप अपने एम्प्लॉय को नॉलेज और एजुकेशन दे रहे हो जिससे वो अपने बिजनेस पे प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी मतलब परफेक्शन प्रोफिशिएंसी हैंडल कर पाए. ओके. तो बेसिकली ट्रेनिंग का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा फिर ट्रेनिंग का कंसेप्ट पढ़ा. ट्रेनिंग के इंट्रोडक्शन में अपन ने ये पढ़ा कि आप कितने भी अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करो जब तक आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे उसको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नहीं मिलेगा वो आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं. ट्रेनिंग आप थियोरिटिकल नॉलेज भी देते हो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हो. और ट्रेनिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. ट्रेनिंग से एम्प्लॉय की प्रोफिशिएंसी एक्सपर्टाइज नॉलेज सब इंक्रीज होता है. फिर अपन आए ट्रेनिंग के कंसेप्ट में जिसमें अपन ने जनरल डेफिनेशन पढ़ी ट्रेनिंग की कि ट्रेनिंग मतलब क्या होता है आप थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो टू द एम्प्लॉय रिलेटेड टू हिज वर्क. सिंपल. लेकिन एक एक्सपर्ट ने बोला कि ट्रेनिंग मतलब यू आर गिविंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू योर एम्प्लॉय. आप अपने एम्प्लॉय को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज उसका प्रोफिशिएंसी स्किल नॉलेज सब इंक्रीज करो. इन शॉर्ट ट्रेनिंग मतलब क्या होता है टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड नॉलेज टू द एम्प्लॉय जिससे विद द ऑब्जेक्टिव टू अचीव प्रोफिशिएंसी जिससे वो प्रोफिशिएंट हो जाए. क्लियर. आप अपन ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं. कुछ एट इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की कि ट्रेनिंग क्यों फायदेमंद है ट्रेनिंग क्यों जरूरी है ट्रेनिंग का फायदा क्या है तो देखते हैं. मॉडर्न इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग इज नेसेसरी
for apprising the employer about the modern technological changes and research. मतलब आपके कंपनी में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जो ताजा ताजा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो टेक्निकल चेंजेस के बारे में अगर आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. सो सबसे पहले ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आपके एम्प्लॉयर को जो आपकी कंपनी में मॉडर्न टेक्निकल चेंजेस या टेक्निकल रिसर्च हो रहे उससे अप टू डेट करने में. मतलब आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टेक्निकल चेंजेस और रिसर्च हो रहे उससे पहचान पाएगा उनको. देन सेफ्टी, दोस वर्कर हु आर हैंडलिंग मशीन्स आर गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ मशीन सो दैट एक्सीडेंट कैन बी रिड्यूस्ड. अब जो एम्प्लॉयज मशीन को हैंडल करते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मशीन को यूज करना है, क्योंकि अगर गलत तरीके से मशीन को यूज किया तो मे बी एक्सीडेंट होने के चांसेस है. तो बेसिकली एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग दी जाती है मशीन ऑपरेट करने के लिए जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए. दिस नर्चर एप्टीट्यूड फॉर वर्क इन एम्प्लॉयर एंड लीड टू लेस फैटिग एंड हाई मोरल. मतलब अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो एम्प्लॉयर का एप्टीट्यूड भी बढ़ेगा, उनको थकान भी कम होगी बिकॉज उनको पता है उनको मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, उनको फैटिग भी कम होगा, उनका मोरल भी बूस्ट होगा. क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पढ़े. पहला क्या था? मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्रेनिंग से आप अपने एम्प्लॉयर को जो भी आपकी कंपनी में टेक्निकल चेंजेस जो भी आपकी कंपनी में टेक्निकल चेंजेस और रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में आप उनको बता सकते हो. फिर सेफ्टी, सेफ्टी में क्या बोला है कि अगर जो एम्प्लॉयर मशीन ऑपरेट कर रहा है तो वो मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो भी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो मशीन पे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए. कि हम बताते हैं कि मशीन कैसे ऑपरेट करना है, इससे एम्प्लॉयर का मोरल बूस्ट होगा, उसको फैटिग भी कम होगा. तीसरा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है. ट्रेनिंग देने से जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ता है? देखो, ट्रेनिंग से क्या होगा, वर्कर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. ऑब्वियसली अगर आप किसी फील्ड में ट्रेन नहीं हो तो आपको कितना पता होगा, अगर आप उसी फील्ड में ट्रेन हो तो आपको ज्यादा पता चलेगा. सो ट्रेनिंग से वर्कर का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. ट्रेनिंग से क्या होता है, वर्कर का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. तो बोला है ट्रेनिंग इंप्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर एंड व्हेन दे आर गिवन द जॉब फॉर व्हिच दे हैव बीन ट्रेन्ड इट इंक्रीजेस द एंथुसियाज्म विच इन टर्न इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन. मतलब क्लियरली बात बोली, अगर आप एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो सो वो एम्प्लॉय उस काम को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, उसको वो उस काम में वो ट्रेंड हो जाएगा. अब जब आप उसको वो काम दे रहे हो जिस काम में वो ट्रेंड है तो वो उस काम को अच्छे से करेगा, उसका मोरल बढ़ेगा और अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फेक्शन होगा. सिंपल, अगर कोई काम आपको बहुत अच्छे से आता है वो आपको दे तो ऑब्वियसली वो करने में मजा आएगा, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा. सो वही बात है ना, अगर आप एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग दोगे तो एम्प्लॉयर का अपने काम के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी. जब अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी तो वो ट्रेंड हो जाएगा, और जब आप उसको ऐसा काम दे रहे हो जिसमें वो ट्रेंड है तो उसका एंथुसियाज्म भी बढ़ेगा और वो काम को ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा और जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा. तो तीन इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग के, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं हो जाए, और तीसरा जॉब सेटिस्फेक्शन. थर्ड, रिडक्शन इन द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर. अब यूजुअली क्या होता है, कंपनी में एम्प्लॉयज आते हैं, लेबर आते हैं, उनको काम करना नहीं आता, वो काम नहीं समझ पाते और चले जाते हैं. लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयर को आते से ट्रेनिंग देते हो कि काम कैसे होगा तो उसको काम भी समझ आएगा और वो आपका जॉब छोड़ के भी नहीं जाएगा. सो लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा. लेबर टर्नओवर मतलब कितने लेबर जॉब छोड़ के वापस चले जाते हैं, लेबर टर्नओवर हो जाता है. सो देखो, रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर मतलब कम लोग अपनी जॉब छोड़ के जाएंगे. ट्रेनिंग इंक्रीजेस नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. बोला है ट्रेनिंग से वर्कर का नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी एफिशिएंसी सब बढ़ेगा. विच इन टर्न इंक्रीजेस और इम्प्रूव द चांसेस ऑफ प्रमोशन. ऑब्वियसली अगर ट्रेनिंग देंगे तो वर्कर का नॉलेज, उसके एफिशिएंसी, उसकी स्किल बढ़ेगी. जब उसकी नॉलेज, एफिशिएंसी, स्किल बढ़ेगी तो उसको प्रमोशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसकी इनकम बढ़ जाएगी. सिंस इट मेक्स देम मोर एफिशिएंट. ऑब्वियसली जब आपको प्रमोशन मिलेगा या आपकी इनकम मिलेगी तो आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे और आप कभी भी जॉब चेंज करने का सोचोगे नहीं. तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कंपनी का जो लेबर टर्नओवर रेट है वो कम हो जाएगा. क्लियर? क्या था रिडक्शन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर? क्या बोला है, जब आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो वो उस काम में उसका नॉलेज, उसका एफिशिएंसी, उसका स्किल्स बढ़ जाता है. जब उसकी नॉलेज, एफिशिएंसी, स्किल ये सब बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अच्छे से काम करेगा तो उसको प्रमोशन मिलने के चांसेस हाई हो जाएंगे, उसकी इनकम बढ़ने के चांसेस हाई. जब उसकी इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा तो कभी क्यों जॉब छोड़ने का सोचेगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा. चार अभी तक अपन ने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पढ़े. पहला मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, सारे टेक्निकल चेंजेस और रिसर्च के बारे में पता चल जाएगा.
सेफ्टी मेजर, एक्सीडेंट नहीं होते, जॉब सैटिस्फेक्शन बढ़ेगा और लेबर टर्नओवर रेट कम होगा, देन प्रॉफिट बढ़ेगा भाई कंपनी का। अगर एम्प्लॉय ट्रेन्ड है तो वो अच्छे से काम करेगी तो अल्टीमेटली फायदा तो कंपनी को ही है ना, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या बोला है, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, thereby reduces the cost of production and increases profit। ट्रेनिंग से प्रोडक्शन भी बढ़ता है और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जब प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन करने का खर्चा, वो कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन करने का खर्चा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। किसी चीज में खर्चा कम लग रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली। सो बोला ट्रेनिंग से प्रोडक्शन भी बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या होता है, तब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। सिंपल। नेक्स्ट, खर्चा कम हो जाता है, रिडक्शन इन एक्सपेंस। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर व्हाइल इंक्रीजेस द प्रोडक्शन, डिक्रीजेस द वेस्टेज। अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो ट्रेन होगा तो एफिशिएंटली काम कर पाएगा और वो वेस्टेज अवॉइड करेगा। अगर ट्रेनिंग दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को तो एफिशिएंटली काम करेगा, और ट्रेनिंग देने के कारण एम्प्लॉय अपने काम में कोई भी वेस्टेज नहीं करेगा, ठीक है, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगा। सुपरवाइजर का कॉस्ट भी बच गया, बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रेन है, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं चाहिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। मतलब ट्रेनिंग से खर्चा कैसे कम होता है, अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो वो अपने काम में एफिशिएंट हो जाएगा, वो अच्छे से प्रोडक्शन करेगा, वो वेस्टेज नहीं करेगा रॉ मटेरियल का। इनफैक्ट सुपरवाइजर रखने की भी जरूरत नहीं, तो ना वेस्टेज होगा ना सुपरवाइजर रखने की जरूरत पड़ेगी, तो ये दोनों का खर्चा बच जाएगा। तो रिडक्शन इन एक्सपेंस। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ट्रेन्ड होता है ऑब्वियसली वो ज्यादा ग्रो करता है, ज्यादा डेवलप करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्रेनिंग से क्या इंक्रीज होता है, एम्प्लॉय की स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इन टर्न उसका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और लास्ट में है अदर बेनिफिट, और क्या फायदे होते हैं। देखो, ट्रेनिंग से प्रोडक्शन का क्वालिटी बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस्टिज बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, एक कोऑपरेशन का एनवायरमेंट होता है। मतलब अदर बेनिफिट में आप लिखोगे कि ट्रेनिंग से क्या होगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी, कंपनी का प्रेस्टिज बढ़ेगा, क्लियर। उसके बाद और क्या होगा, इंटेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थे अपने ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग के अपने सिर्फ 8 इम्पोर्टेंस है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टेक्निकल चेंजेस और टेक्निकल रिसर्च हो रहा है वो बता सकते हैं, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। दूसरा है सेफ्टी। आप अपने एम्प्लॉय को मशीन कैसे यूज करनी है, जब उसकी ट्रेनिंग दोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे, तो सेफ्टी। तीसरा, इंक्रीज इन जॉब सैटिस्फेक्शन। जब आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तो आपका एम्प्लॉय काम को समझ पाएगा, वो ही वुड अंडरस्टैंड, वर्कर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जब आप उसको वो काम दे रहे हो जिसमें वो ट्रेन्ड है तो ऑब्वियसली वो काम अच्छे से करेगा और उसको जॉब सैटिस्फेक्शन मिलेगा। तीसरा, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। जब आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो उसका नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, प्रोफिशिएंसी बढ़ता है। अगर ये सारी चीजें बढ़ गई तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम करेगा और उसको प्रमोशन मिलने के और उसकी इनकम मिलने के चांसेस, बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब किसी की इनकम बढ़ रही हो, प्रमोशन मिल रहा है, तो वो कभी थोड़ा जॉब छोड़ के जाएगा। सो अल्टीमेटली जॉब छोड़ने के चांसेस कम हो गए तो लेबर टर्नओवर रेट कम हो गया। तो 4 पॉइंट, पहला क्या है, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, दूसरा सेफ्टी, और एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज। कौन सा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन जॉब सैटिस्फेक्शन, और डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा है, वापस एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ट्रेनिंग से प्रोडक्शन भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जब कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लियर। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट और रिडक्शन इन एक्सपेंस। प्रॉफिट बढ़ेगा तो खर्चा कम, मतलब ऑब्वियसली जब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तो एक्सपेंस कम। सो जब एम्प्लॉय ट्रेन होगा तो वो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कम करेगा, सुपरवाइजर रखने की भी जरूरत नहीं, अल्टीमेटली टोटल खर्चा कम हो जाएगा। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड रिडक्शन इन एक्सपेंस। फिर है जीएनडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। लास्ट में अदर बेनिफिट। 8 पॉइंट्स थे, सबसे पहला मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, दूसरा सेफ्टी, तीसरा इंक्रीज इन जॉब सैटिस्फेक्शन, चौथा रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन एक्सपेंस, जीएनडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अदर मेजर, ठीक है।
सो ये था ट्रेनिंग. ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरिटिकल नॉलेज दे दो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिससे वो एम्प्लॉय एफिशिएंट हो जाए, प्रोफिशिएंट हो जाए और कंपनी का काम अच्छे से कर पाए. और ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी अपन ने की थी. सो नेक्स्ट सेशन में अपन डेवलपमेंट पूरा पढ़ेंगे और डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ट्रेनिंग अलग चीज होती है, डेवलपमेंट अलग चीज होता है, दोनों मिक्स मत करना. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक नहीं होता. ट्रेनिंग क्या होता है अपने आज बहुत अच्छे से पढ़ा, डेवलपमेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे. टिल देन गुड बाय.